स्लीपिंग बैग निकाला मैंने ओके ऐसे ठीक है। अब जैसे ये आप देखेंगे ये हल्का सा दिख रहा है ना, दिख रहा है श्योर? किसी किसी में दिखेगा नहीं, किसी किसी में ये लगेगा कि ये भी फैदर है, ये भी फैदर है। ड्यूरिंग चादर ट्रैक आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट ये है, ये है विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ टाइप का कुछ बना हुआ है इंडियन आर्मी की वजह से। तो इसको पहले हम यूज करेंगे, जैसे अभी टेन में हम तो आप घुस नहीं पाएंगे है ना, तो मैं इधर से घुसता हूँ पहले ठीक है। यहाँ से मैं घुसा, ऐसे किया मैट्रेस पे अपना, क्योंकि मैं इधर से नहीं आ सकता राइट। फिर मैंने ये लिया, इसको टांगा मैंने ऐसे, जैसे हम पतलून पहनते हैं इनर आउटर जैसा, इसको इसे यहाँ पर पूरा डाल के, इसको यहाँ इस शोल्डर को इसके अंदर डाल के है ना। ग्लोव्स पहन के कोई मत करना, कुछ प्रॉपर नहीं होता है ग्लोव से। उसको निकाल के थोड़ा इस तरह कर देना ताकि ये थोड़ा गर्म भी हो जाए शेक करके है ना। फिर इस तरह से आप घुस जाना विदाउट शू है ना, विदाउट शू ग्लोव ठीक है। शूज वूज खोल के शूज यहाँ पे रखा, जिप बंद किया, जिप को ऐसे बंद मत करना है ना, देख के करना क्योंकि ये जिप टूट गया ना तो जिम में इधर नहीं होगा ठीक है। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आया कुछ? Yes. Got it, right? Yes. अब जिगमेत को तंग मत करना तो मैं नजर समझ गया ना सारे लोग। अंदर का जिप पहले लगा के, अंदर का जिप पहले।